मौसम विभाग के गलत अनुमान से खफा किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। कार्यालय का घेराव करते हुए एडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान संघ ने मौसम विभाग और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का जलाया पुतला। किसान नेता का आरोप है मौसम विभाग देश के किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। उज्जैन भारतीय किसान संघ ने मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं, अनुमान के अनुसार बारिश नहीं होने पर किसान संघ ने प्रदर्शन किया। यहां पर भारतीय किसान संघ के किसानों ने तरणताल से कोठी स्थित कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान नेता का कहना है कि मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर समय समय पर कई अनुमान लगाए गए थे जो कि अब तक सच साबित नहीं हुए हैं। ऐसे में हमारे किसान भाइयों ने मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर भरोसा करते हुए खेतों में फसल की बोनी कर दी, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण किसानों को फसलों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय किसान संघ का यह भी आरोप है कि मौसम विभाग देश के किसानों के साथ धोखा देने का काम कर रहा है। इस दौरान नाराज किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर पुतला भी दहन किया। जो मारी जाएगी उसका राज आएगा सपना में। जिंदाबाद भारत किसान का, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अरे गल्ला गल्ला अरे गल्ला गल्ला भारतीय किसान संघ के इस प्रदर्शन के दौरान कोठी स्थित कलेक्टर कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने कोठी भवन के चौराहे पर मौसम विभाग और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का पुतला द्वारा ये जो लगातार मौसम विभाग द्वारा किसानों को और पूरे देश को गलत अनुमान दिए जा रहे हैं कि इस सप्ताह में इतनी बारिश होगी, इसके अनुमान को लेकर किसानों ने बोनी की और कहीं कुछ जगह तो बारिश हुई नहीं और जो बोनी की वो आज बारिश के अभाव में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। तो मौसम विभाग द्वारा जो गलत अनुमान दिए जा रहे हैं, इसलिए भारत सरकार के मौसम विभाग की जिम्मेदारी तय होना चाहिए और उसमें जो भ्रष्ट और गलत तरीके से जानकारी देने वाले अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मौसम विभाग आज देश के किसानों के साथ धोखा कर रहा है, इसको लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पुतला दहन किया है। साथ ही सोयाबीन, पिछली बार वायरस लगने से सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। हमने सरकार को कई बार पत्र लिखे हैं इस बारे में कि सरकार के जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं, चाहे सोपा हो, NRCS हो, इनने पिछले 10 साल में एक भी उन्नत किस्म और रोग प्रतिरोधक किस्म की सोयाबीन किसानों को नहीं दी है। ऐसे अनुसंधान केंद्र और जितने भी विभाग हैं इनके, ये किसानों के नाम पर सरकार का पैसा लूट रहे हैं। या तो ऐसे विभाग को बंद कर देना चाहिए। जब किसानों की फसल पककर आती है उस टाइम ये आयात कर लेते हैं, किसानों को रेट नहीं मिलता है और किसानों को फसल नहीं होने के दाम नहीं मिलने के कारण काफ़ी नुकसान का वो होता है। दूसरा 19 और 20 का जो बीमा है, पोर्टल खुलने के बाद भी 3 महीने हो गए, उसके बाद भी आज किसानों के खाते में बीमा नहीं डला है और ना उज्जैन जिले को राहत राशि मिली थी। इन्होंने जिलाधीश महोदय ने बोला था कि हम राहत राशि तो नहीं मिल पाएगी पर बीमा हम तुरंत दिलाएंगे 20 का, अभी तक उसका भी कुछ नहीं हो पाया। इसी प्रकार एक उज्जैन तहसील के तहसीलदार का मामला है, योगेश जी मेसराम, उनका पूरे तहसील में हर किसान से फोतीनामा नामांतरण हुआ या कोई सा मामला हुआ, भ्रष्टाचारी इतनी अधिक है कि परेशान है किसान।